फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन क्या है? तो देखिए, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब नाउन है। जैसे राम, बाघ, टाइगर, फरवरी, होली, दीपावली, ये सब नाउन है। अब नाउन जो है ये पांच प्रकार का होता है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इन पाँचों नाउन को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर का मतलब होता है खास, विशेष। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे रामायण, रामायण एक खास नाम है कि नहीं है? जैसे एक शेर, शेर एक खास नाम है कि नहीं है? है कि नहीं है? गंगा नदी, ये एक खास नाम है कि नहीं है? है कि नहीं? अब वही अगर हम बोल दूँ बॉय, तो बॉय कहने से क्या हो रहा? पूरा लड़का जाति का बोध हो जाता है, ये खास का बोध नहीं हो रहा है। कोई खास लड़का का नाम लूँगा, जैसे श्याम, मोहन, गीता, पिंकी, ये सब खास नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का खास नाम होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कोई भी कॉमन नाउन से होता है, किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो जाता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु का पूरी जाति या श्रेणी का बोध होगा तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए बॉय, बॉय कहने से क्या हो रहा है? पूरा लड़का जाति का बोध हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं? कोई लड़का लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला, अलग अलग टाइप का होता है। गर्ल, गर्ल कहने से क्या हो रहा है? पूरी लड़की जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे एक और देखिए रिवर, भारत में कितनी सारी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब है कि नहीं? बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन नदी कहने से क्या हो रहा है? पूरी नदी जाति का बोध हो जा रहा है। वही कोई एक खास नदी का नाम ले लूँगा, जैसे ब्रह्मपुत्रा, तो ये क्या है? ये खास नाम हो गया, तो ये कॉमन नाम नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। इस देखिए कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एक ही तरह के, जैसे देखिए क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। तो भीड़ क्या होता है? एक समूह होता है कि नहीं? लोगों का समूह होता है। जैसे देखिए बंच, बंच में चाबी का गुच्छा, तो देखिए चाबी के गुच्छा में क्या है? खाली चाबी ही है, अंगूर थोड़े ही है। अंगूर के गुच्छा में अंगूर ही रहता है, चाबी के गुच्छा में क्या होता है? सिर्फ चाबी ही होता है। तो ये आपका हो गया जिस नाम से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? सैनिक का समूह है। अब उसमें आम आदमी थोड़े घुसता है, एक सैनिक का समूह बना हुआ है। क्लियर। चौथा आपका है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल का मतलब होता है सामान, यानी जिस नाउन को आप ना गिन सकते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ आप माप या तौल करके लेते हैं तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टांस। जैसे देखिए आटा, आटा को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। फ्लोर को आप उसको तौल के लेते हैं, यानी कोई भी वस्तु हो, सबस्टांस हो, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल करके लेते हैं तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, तो उसको हम निराकार बोलते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को कहते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट सीन और टच्ड बट ओनली फील ऑफ आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए हंसना, अब हंसना को आप देख सकते हैं? नहीं, फीलिंग करते हैं कि हंस रहा है वो। दीन, दिन अभी है, आप उसको देख सकते हैं? नहीं, फीलिंग करते हैं कि ये दिन है। अभी जैसे हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? हम लोग फील करते हैं भाई ये इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, ये हम फील करते हैं। जैसे रोना, रोना को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं। आप हवा, हवा को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं। क्लियर। अब देखिए आज के ज़माने में जो है, आज के ज़माने में
नाउन को एक अलग तरीका से पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अनुसार देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, यानी आज के ज़माने में नाउन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जैस वैसी चीज़ों के नामों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बनता है। तीनों का एग्जांपल काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। जैसे देखिए काउ, काउ ये काउंटेबल नाउन, इसको गिन सकते हैं। बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है। आर्मी, ये भी गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। तो तीनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बन गया। अब देखिए दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। द नेम ऑफ थिंग्स विच कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वैसी चीज़ों के नामों को आप अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनता है। तो इन दोनों का जो एग्जाम्पल है वो इसमें आ जाएगा। जैसे देखिए ब्रेड, रोटी, आटा, ऑयल, करेज मीन्स हिम्मत, ये सब के। और एक बात ध्यान दीजिए, काउंटेबल नाउन के पहले आप ए एन द लगा सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय के पहले आप ए बॉय लिख सकते हैं, चाहे इसका प्लुरल भी बना सकते हैं बी ओ आई एस बॉयज। काउंटेबल नाउन का पहले आप ए एन भी लगा सकते हैं और इसका प्लुरल भी बना सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले आप ए एन द का यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑयल, अब ऑयल का पहले आप ए एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ना ही आप अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे ऑयल में आप एस जोड़ दीजिए तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये गलत है। ना ही अनकाउंटेबल नाउन का ना प्लूरल बनता है ना ही इसके पहले ए एन द का यूज होता है। जबकि काउंटेबल नाउन में जस्ट इसके उल्टा है, उसमें ए एन द का यूज होता है और इसका प्लूरल भी बनता है। क्लियर, आई थिंक आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर यू, गुड बाय।